तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाहरुख खान को इंडिया के किसी ऐसे विलेज में जो चाइना के बॉर्डर के पास है, यहाँ शाहरुख खान को एक बूढ़ा आदमी ठीक करता है, उसके अंदर से बुलेट्स निकालता है और उसे पट्टियों से पूरा कवर कर देता है। अब इस गांव में कुछ चीनी सैनिक या फिर उन्हें आतंकवादी भी आप कह सकते हैं, वो गाँव वालों को मारने लगते हैं। तभी एंट्री होती है शाहरुख खान की, जो सारे सैनिकों को बुरी तरह से मार देता है। लेकिन ये क्या, शाहरुख खान को तो कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। उसे उसी गांव का एक बच्चा प्रॉमिस करता है कि वो बड़ा होकर ये पता करेगा कि वो कौन है। अब मूवी में हमें मुंबई मेट्रो के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर टकलू शाहरुख खान और 6 लड़कियां मेट्रो को हाईजैक कर लेती है और उनसे बात करने के लिए नर्मदा रॉय को अपॉइंट किया जाता है। अब शाहरुख खान नर्मदा से एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाने के लिए कहता है। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सभी किसानों का लोन माफ़ करने को कहता है और उसका सारा पैसा काली नाम का एक बिजनेसमैन देता है, क्योंकि उसकी बेटी भी उसी मेट्रो में थी। शाहरुख खान अपना नाम विक्रम राठौर बताता है। विक्रम राठौर अपनी टीम के साथ मिलकर इंडिया के उन सभी लोगों की मदद करता है जिनके साथ अन्याय हुआ है। सभी किसानों के अकाउंट में उनके लोन के पैसे माफ हो जाते हैं। अब नर्मदा अपनी टीम के साथ मेट्रो पर अटैक कर देती है, लेकिन विक्रम राठौर अपनी टीम के साथ उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। अब हमें मूवी में एक वुमेन जेल का सीन दिखाया जाता है, जिसका जेलर आज़ाद यानी शाहरुख खान होता है, जो कि विक्रम राठौर बनकर मेट्रो के अंदर था। वो इस जेल में पिछले 12 साल से काम करता है और जेल के हर कोने से वाकिफ है। उसी की जेल की कैदी उसका साथ देती है इन कामों में। अब मूवी में आज़ाद को उसकी माँ शादी के लिए लड़की देखने के लिए ले जाती है, जहाँ लड़की की एक बेटी भी होती है। वो आज़ाद को काफ़ी एग्ज़ाम लेने के बाद उसको अपना पापा मान लेती है, जिससे उसे शादी करनी है वो लड़की नर्मदा ही होती है। नर्मदा भी आज़ाद से शादी करने के लिए मान जाती है। अब एक स्टेज पर हेल्थ मिनिस्टर अपने भाषण में बड़ी बड़ी फेंकता रहता है कि उसने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनवा दिए हैं, अगर उसे गोली भी लग जाती है तो वो अपना ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कराएगा। तभी उसे विक्रम राठौर गोली मरवा देता है और उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लेकर आ जाता है। अब विक्रम अपनी डिमांड रखता है कि 5 घंटे के अंदर 200 के आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के सभी ज़रूरी इक्विपमेंट लगा दिए जाएं। गवर्नमेंट भी 5 घंटे में ही सारे इक्विपमेंट लगा देती है। साथ ही 3 साल पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मारे गए सभी 60 बच्चों की सच्चाई भी बताती है कि उन्हें उस लेडी डॉक्टर ने नहीं मारा था, वो उनकी वजह से मारे गए थे ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। वो लेडी डॉक्टर तो उन्हें बचा रही थी और हमने उल्टा उसे ही दोषी बना दिया था। ये लेडी डॉक्टर विक्रम की टीम की मेंबर थी। अब हेल्थ मिनिस्टर को बचाने के लिए नर्मदा अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाती है, लेकिन काफ़ी फाइट करने के बाद भी विक्रम वहाँ से भाग जाता है, मतलब आज़ाद। लेकिन नर्मदा के हाथ में उसका फेस मास्क आ जाता है। ये हेल्थ मिनिस्टर काली का जीजा होता है और इस स्कैम में भी काली का हाथ होता है। अब काली अपने आप गवर्नमेंट बनाने की सोच रहा है और इसके लिए वो रसिया में एक मीटिंग करने जाता है और इंडिया में अपने भाई को बिजनेस संभालने को कहता है। अब मूवी में आज़ाद और नर्मदा की शादी हो जाती है। आज़ाद नर्मदा को अपने बारे में बताने ही वाला होता है, उससे पहले ही नर्मदा को उसके बारे में टीम से पता चल जाता है और वो आज़ाद पर गोली चला देती है। वो उसे पकड़ पाती उससे पहले ही काली का भाई उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एंट्री होती है दूसरे शाहरुख खान की। वो सभी को मारकर उन दोनों को बचाकर ले जाता है। अब नर्मदा आज़ाद और उसके साथियों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जेल के अंदर कैदी बनकर आती है। अब उसे आज़ाद की टीम की एक लड़की आज़ाद के बारे में बताती है। वो कहती है आज़ाद को जानने से पहले विक्रम राठौर को जानना बहुत ज़रूरी है। विक्रम राठौर आर्मी में एक कैप्टन है जो कि एक मिशन पर जाता है अपने कुछ साथियों के साथ टेररिस्टों को मारने के लिए। उससे पहले भी कुछ आर्मी के जवान टेररिस्टों को मारने गए थे, लेकिन वे सब मारे जाते हैं। अब विक्रम को मिशन पर आने के बाद पता चलता है कि उन सभी की बंदूकें गोली ही फायर नहीं कर रही है, इसी वजह से पहले वाले सभी आर्मी जवान मारे गए थे और ये सभी बंदूकें काली की कंपनी आर्मी को सप्लाई करती है। विक्रम काली की कंपनी को बंद करवा देता है। काली बदला लेने के लिए विक्रम के घर पर हमला करके उसे धोखे से बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और कुछ पुलिस वालों की मदद से विक्रम को देशद्रोही साबित करवा देता है। उन पुलिस वालों को मारने की वजह से विक्रम की वाइफ को फांसी की सजा हो जाती है। अब काली जेल में आकर विक्रम की वाइफ को बताता है कि उसने विक्रम को चोपर में गोली मारकर मार डाला है। विक्रम की वाइफ को फांसी होने ही वाली थी, तभी उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए जज उसकी फांसी 5 साल के लिए टाल देते हैं। अब जेल के अंदर जन्म होता है आज़ाद का और 5 साल बाद विक्रम की वाइफ को फांसी की सजा देकर मार दिया जाता है। अब मूवी में आज़ाद को होश आने के बाद वहाँ मौजूद एक शख्स बताता है कि उसे मेट्रो में देखकर
उसे अपने गांव में मौजूद एक मसीहा की याद आती है। यह शख्स वही बच्चा है जो शाहरुख खान से प्रॉमिस करता है उसके बारे में पता लगाने के लिए। यह शख्स आज़ाद को विक्रम राठौर और उसके साथियों से मिलाता है। विक्रम राठौर ही आज़ाद का पिता है, लेकिन विक्रम सब कुछ भूल चुका है। अब ये सब जानने के बाद नर्मदा अपने असिस्टेंट ईरानी के पास आती है, लेकिन ईरानी काली के लिए ही काम करता है और अब वो नर्मदा और उसके साथ उन 6 लड़कियों और नर्मदा की बेटी को मारने वाला होता है। नर्मदा की बेटी सूजी को विक्रम बचा लेता है और नर्मदा और अपनी साथियों को आज़ाद बचा लेता है, पर उनमें से एक लड़की मारी जाती है। अब उसकी जगह नर्मदा टीम में लेती है। अब वे सभी जेल के अंदर ही काली के पैसों से भरे हुए ट्रक्स को लूटने का प्लान बनाते हैं, जिनसे वो लोगों की वोट खरीद कर अपनी सरकार बनाने वाला है। अब वो सभी मिलकर काली की सारी ट्रक्स लूट लेते हैं। ट्रक्स लूटते टाइम विक्रम और उसके साथियों को काली पकड़ लेता है। अब वो विक्रम को मारने ही वाला होता है कि तभी वो न्यूज़ पर लाइव विक्रम को ही देखकर चौंक जाता है। अब काली को पता चलता है कि वो विक्रम का लड़का है जो उसकी तरह ही दिखता है। अब मूवी में एंट्री होती है संजय दत्त यानी माधवन नायक की, जिसे आज़ाद को जेल के अंदर से पकड़ कर लाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। नायक अपने सोल्जर को जेल के अंदर भेजता है, लेकिन जेल के अंदर सारी लेडी कैदियां उनके ऊपर फायर खोल देती हैं। आज़ाद ने जेल को एक किले में बदल दिया था। अब नायक आज़ाद की सभी मांगे मानने को तैयार हो जाता है। अब आज़ाद एक डॉक्यूमेंट पर हेड ऑफ ऑनरेबल ऑफ स्टेट के सिग्नेचर करने को कहता है, जिससे काली और उसके जैसे दूसरे भ्रष्ट बिजनेसमैन की सभी कंपनियां बंद हो जाएगी। और उसकी ये बात गवर्नमेंट मान जाती है, क्योंकि आज़ाद ने सारी वोटिंग मशीन चुरा ली थी और उनके बिना इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। अब काली की सारी फैक्ट्री बंद हो गई है। आज़ाद भी अपना रियल फेस पूरे इंडिया को दिखा देता है और सभी को समझाता है कि वो सभी अपनी गवर्नमेंट को सोच समझ कर चुने। लेकिन तभी काली विक्रम को लेकर जेल के अंदर आ जाता है और आज़ाद से उसके ट्रक्स देने को कहता है। वो विक्रम को मारने वाला होता है, तभी विक्रम की याददाश्त वापस आ जाती है। अब विक्रम और आज़ाद दोनों मिलकर काली के साथियों को मार देते हैं और काली को फांसी लगाकर ऐसे ही मारते हैं जैसे विक्रम की वाइफ को दी गई थी फांसी काली की वजह से। अब कुछ महीनों बाद आज़ाद को नर्मदा के साथ मौज करते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ मूवी का हो जाता है हैप्पी दी एंड।